और 7 साल बाद टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करेंगी। इस समय सारी दुनिया की निगाहें टी20 वर्ल्ड कप की तरफ लगी हुई है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश का दौरा करेंगी। भारत और बांग्लादेश दोनों ही पड़ोसी देश है और दोनों ही देश में क्रिकेट बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। वनडे टेस्ट सीरीज के लिए फैंस बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने गुरुवार को भारत के बांग्लादेश दौरे के कार्यक्रम की घोषणा की है, जो ढाका के शेर ए बांग्ला शेष क्रिकेट स्टेडियम में 4, 7 और 10 दिसंबर से होगा और 3 वनडे मैचों के साथ ही शुरू होने वाला है ये मैच। वनडे मैचों की समाप्ति के बाद भारत बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगा। पहला मैच होगा 14 से 18 दिसंबर तक चटगांव में जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में और फिर दूसरा टेस्ट मैच होगा ढाका के शेर ए बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दौरा खत्म होने के बाद भारत 27 दिसंबर को बांग्लादेश रवाना होगा। वहीं पर BCB ने दिया है ये बयान कि एक आधिकारिक बयान में BCB के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा कि दिसंबर में दोनों टीमों के बीच बहु प्रारूप मैचों की संभावना के बारे में रोमांच महसूस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में इतिहास में बांग्लादेश भारत के मैचों में हमें कुछ बड़े मुकाबले लिए हैं और दोनों ही देशों के प्रशंसक एक और यादगार सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यक्रम की पुष्टि करने में BCB के साथ मिलकर काम किया है। हम बांग्लादेश में भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों ही टीमों के पास शानदार मौका है। वही BCCI सचिव जय शाह ने कहा कि मैं भारत की विशेषता वाली आगामी वायलेटरल सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत बांग्लादेश प्रतियोगिता प्रशंसकों के बीच जबरदस्त दिलचस्पी पैदा करने की ये बात है। दोनों ही टीमों के प्रशंसकों का आनंद लेने के लिए वो शानदार मौका होगा। बांग्लादेश यात्रा कार्यक्रम का भारत दौरा, आपको बता दें कि 1 दिसंबर को भारतीय टीम बांग्लादेश पहुंचेगी। वही 4 दिसंबर को पहला वनडे मैच होगा ढाका में। 7 दिसंबर को दूसरा वनडे मैच होगा, वो भी ढाका में ही होगा।